हेलो गाइस एंड हम अंबाला आ चुके थे एंड ट्रेन में भी चढ़ गए जो दूसरी ट्रेन हमने पकड़नी थी एंड अभी आपको मैं सरप्राइज देता हूँ। मेरे मेरे पापा सो हेलो कर दो। गाइज आपने देख ही लिया होगा कि कौन सी ट्रेन है और इस ट्रेन का नाम है हम सफ़र और 3 बजे हमने पकड़ी थी अम्बाला से और खाना पीना भी खा लिया, भूख काफ़ी लगी थी, नाश्ता भी हो गया एंड शाम में करेंगे नाश्ता। ट्रेन का टिकट अचानक ही बना, अब 3rd AC है और ट्रेन का नाम बता ही दिया आपको हम सफ़र। एंड गाइज एक और चीज़ दिखाता हूँ, पढ़ने पुढ़ने के लिए इधर लाइट भी लगाई गई है, देखा गाइस मतलब काफ़ी सिस्टम है, AC भी है, ऊपर भी लाइट है, स्विच वगैरह भी है, मतलब काफ़ी साफ सफाई है। एंड गाइस हम लोग अभी मतलब कुरुक्षेत्र में हैं, कुरुक्षेत्र में गाड़ी रुकी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको अभी और 1 घंटे बाद दिल्ली आएगा। 1 घंटे 170 किलोमीटर है और अभी भाई समझ लो 1.5 घंटा और लगेगा, मतलब मैं दिखाता हूँ आप। ये रहा भाई कुरुक्षेत्र एंड ट्रेन खुल चुकी है हमारी। पापा गए हुए हैं, अभी गए हुए दीदी को देखने, तो आएंगे थोड़ी देर बाद। तो बंदे सो रखे हैं सारे। गाइस थोड़ी देर मैं अभी रेस्ट किया था, सोया, नींद भी मतलब फिर ढंग से नहीं, जो रात में पता ही आपको 3 बजे उठ गए थे और वीडियो एडिटिंग भी करनी है आज की। एंड देखो एंड ये बताया जैसे कि मैंने 5:27 हो गए, 5:30 होने वाले हैं। देखो गाइस पूरा प्लेटफॉर्म खाली अभी। एंड हम अभी मतलब दिल्ली क्रॉस हो चुका है एंड दिल्ली से काफ़ी आगे आ चुके हैं और इसके बाद अगला स्टॉप मुरादाबाद है। एंड जैसा कि बताया मैंने आपको, अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं एंड दिल्ली क्रॉस हो चुके हैं
और मतलब एक डेढ़ घंटा लगेगा मुरादाबाद आने में। अगला स्टॉपेज वही है एंड भूख भी काफ़ी लग गई है, शाम का टाइम है, दिखा देता हूँ मैं आपको। एंड खाना हमने शुरू कर दिया और खाने में दिखाता हूँ है क्या। ये रगाई से हमारा शाम का खाना, लिट्टी, भुजिया, चटनी, सोयाबीन। ये मेरे पापा, अरे बिहार का सबसे स्पेशल खाना लिट्टी लेके आए। एंड खा के बात करते हैं आपसे। सबसे पहले मैं आपको, मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी क्योंकि ट्रेन बहुत तेज चल रही है, आवाज भी मतलब खट्टे खट्टे आवाज आ रही है। मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ यहाँ का मतलब ये जो हम सफर ट्रेन है थर्ड क्लास एसी। एंड तो ये कैसा है एंड मतलब इसका मतलब क्या क्या है फैसिलिटीज उसमें दिया हुआ है एंड मैं आपको दिखाता हूँ। और आई होप आप मतलब वीडियो को इन्जॉय कर रहे होंगे, देख सकते गाइस। बाहर का सीन दिखा देता हूँ, ये जो टॉयलेट का सीन दिखा देता है, ये बाहर हैंड वॉशिंग लगा हुआ है, ये मिरर भी दिया हुआ है एंड ये पैनल वगैरह है, लाइटिंग एसी वगैरह का सब वो दिया हुआ है। एंड रात को तो ट्रेन काफ़ी तेज चलती है, मैं आपको अंदर की ओर ले जाता हूँ। सब भी सो गए अभी तो। अंदर ही छिपा हुआ सूरज, बाहर निकलेगा। इसमें काफी लेट उठा, मतलब 7 बजे। एंड गाइज हम लोग अभी बलिया आ चुके हैं, मॉर्निंग हो चुकी है और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। एंड और सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी, चाय वाला आया नहीं अभी, पता नहीं क्यों, कोरोना करके चाय वगैरह मतलब स्टॉल तो बाहर लगी है बट अंदर चाय जो कैंटीन से आती है वो ही नहीं आई है। एंड मैं दिखा दूँ अपने ट्रेन का आगे वाला जी कौन से मतलब कोच है, दैट्स माई कोच B10।
क्लियर नहीं हुआ अभी क्रॉसिंग पे। मैं चाय लेने आया, चाय ले दो अंकल जी। गाइस चाय ले ली मैंने, गाइस मैंने अपनी चाय खत्म कर ली है एंड अभी मतलब रुका हुआ ट्रेन स्टेशन पे, बलिया स्टेशन पे एंड मतलब एक रात का भी सफर पूरा कर लिया हमने एंड दिन का आधा दिन भी कर लिया, आधा दिन तो नहीं हुआ, 12 बज जाएंगे तब बजेगा एंड मतलब 5 बजे अपने गांव पहुंचूंगा और एक तरह से एक्साइटेड भी हूँ जाने के लिए, 3 बाद जा रहा हूँ एंड थोड़ा थक सा भी गया हूँ। ट्रेन तो ट्रेन ही होता है, घर घर ही होता अपना, सब कुछ अचानक हो गया। एंड गाइज अभी हम समस्तीपुर आ चुके हैं और यहाँ से मेरा घर मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटे का रास्ता है, 1 किलोमीटर है, 1 घंटे का रास्ता है एंड मैं एंड ब्लॉग को एंड करता हूँ एंड आज का ब्लॉग इतना ही एंड मैं घर जाने के बाद और वहाँ पे थोड़ी दिन एक दिन तो रेस्ट करना पड़ेगा तो उसके बाद मैं ब्लॉग बनाऊँगा, ऐसे तो नहीं बनाऊँगा एंड आप सब सेफ रहें एंड अपने परिवार का ध्यान रखें एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड आपको हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।